नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मगरे, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड इंचार्ज डायरेक्टर, थाने सब कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर सोमू सिंह को, जो कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कन्वेनर ऑफ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज एंड एडमिन फेसबुक पेज टीचर एजुकेशन इन इंडिया, एज वेल एज द फेसबुक ग्रुप टीचर एजुकेटर्स अंडर द भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। धन्यवाद सोमू जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। मैंने बहुत सारी व्याख्यान मालाएं इस ग्रुप पर अटेंड की है और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया गया है। आज का जो मेरा विषय है, लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा इसे हम कहते हैं। लाइफ स्किल एजुकेशन के बारे में मेरे विचार मैं यहाँ पर प्रकट करना चाहूँगी। जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं कि लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा, इसमें हमें तीन शब्द दिखाई देते हैं। पहला शब्द है जीवन, दूसरा शब्द है स्किल और तीसरा शब्द है एजुकेशन। और ये तीन ही शब्द हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। इसका अर्थ क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम जीवन का अर्थ यानी कि जीवन की परिभाषा क्या है ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम स्किल यानी कौशल की परिभाषा क्या है ये जानेंगे और तीसरा देखेंगे शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा है, आप सभी लोग जानते हैं जीवन का अर्थ क्या है या जीवन की परिभाषा क्या है। तो जीवन की परिभाषा हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। कोई कहेगा जीवन यानी कि आपसी बातचीत, कोई कहेगा जीवन यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण, कोई कहेगा जीवन यानी कि सकारात्मक अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण, कोई कहेगा जीवन एक तत्व ज्ञान है। तो इस तरीके से हम जीवन की परिभाषाएं कर सकते हैं। मैंने जो सोचा है जीवन के बारे में, तो मुझे ऐसे लगता है कि जीवन यह एक किताब है, यह एक पुस्तक है और इस पुस्तक में बहुत सारे पन्ने होते हैं और हर एक पन्ना हमें कुछ ना कुछ दे जाता है। इसी में से कुछ पन्ने इस तरीके से होते हैं कि वो पन्ने पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, कोई पन्ना पढ़कर हमें कुछ सीख मिलती है, कोई पन्ना पढ़कर हमें कुछ मूल्य उसमें से दिखाई देते हैं, कोई पन्ना पढ़कर हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा मेरा कहना है कि जीवन यानी कि एक किताब है
और ये किताब हमको बार बार पढ़नी है, रोज रोज पढ़नी है, और ये पेजेस हम जैसे जैसे पलटते जाएंगे वैसे वैसे नया एक अध्याय हमको इसमें मिलेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माई डेफिनेशन और ये मेरी परिभाषा है जीवन के बारे में। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे कि स्किल यानी कि कौशल। क्या है कौशल? ये इट इज एन एबिलिटी टू डू समथिंग वे, कुछ अच्छा करने की एक क्षमता है और यह क्षमता हर व्यक्ति में होती है। फिर कुछ अच्छा करने की जो क्षमता है या कुछ करने की जो क्षमता है, यह क्षमता हमें शिक्षा द्वारा, हमें तो ऑलरेडी क्षमता होती है लेकिन उसका विकसन जो है, क्षमता ये विकसित की जाती है शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा, इस विकसित होती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द इसमें दिया गया है यानी कि एजुकेशन, शिक्षा। वो शिक्षा क्या है? अभी हम सभी लोग एजुकेशन के अध्ययन और अध्ययनार्थी होने की वजह से हमें तो बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारी परिभाषाएं मालूम है। मतलब महात्मा गांधी जी की परिभाषा पता है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, हम बहुत सारी परिभाषा हमें पता है, बहुत सारी किताबों में परिभाषा की गई। लेकिन सर्वसाधारण परिभाषा हम शिक्षा के इस तरीके से करेंगे कि हमारे वर्तन में सही दिशा में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम शिक्षा कहेंगे। फिर ये सही दिशा में होने वाला परिवर्तन यानी कि शिक्षा, ऐसा शिक्षा की हम परिभाषा करते हैं। तो लाइफ एक किताब है, कौशल एक क्षमता है और शिक्षा ये एक टूल है। तो मानो कि ये तीन शब्द जब एक साथ आते हैं, लाइफ स्किल और एजुकेशन, तो बनता है लाइफ स्किल एजुकेशन। और ये परिभाषा देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि जीवन की किताब पढ़ने के लिए जो कौशल हमारे पास चाहिए वह कौशल शिक्षा द्वारा विकसित होते हैं और प्रशिक्षण द्वारा हमारे प्रशिक्षण द्वारा विकसित होते हैं और शिक्षा द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे हम लाइफ स्किल एजुकेशन कह सकते हैं। तो ये होगी एक जनरल सी परिभाषा लाइफ स्किल एजुकेशन। अब लाइफ स्किल एजुकेशन की जो ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है, तो वो ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इन 1986 ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन रिकॉग्नाइज लाइफ स्किल, सबसे पहले इन्होंने लाइफ स्किल को रिकॉग्नाइज किया। लाइफ स्किल्स को रिकॉग्नाइज किन सहारे से किया? कि इन टर्म्स ऑफ द मेकिंग अ बेटर हेल्थ चॉइस। इन 1889 जो कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC हम जैसे कहते हैं कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, दैट इज द CRC, इसी में जीवन कौशल को शिक्षा के साथ जुड़ा गया है। दे लिंक द लाइफ स्किल टू द एजुकेशन। और उसमें इस ये कहा गया है कि अगर बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अगर विकास करना है, सर्वांगीण स्वरूप से अगर बालक का विकास करना है, तो शिक्षा के साथ जीवन कौशल का होना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षा के साथ साथ जीवन कौशल का समायोजन अगर उसमें करते जाएंगे तो उसका सर्वांगीण विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इन 1990 जोमटेन डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, ये जो डिक्लेरेशन आया 1990 में, यह डिक्लेरेशन में
यही विजन था कि दे लिंक द लाइफ स्किल टू द एजुकेशन, ये उन्होंने उनके विजन में बताया है। और उन्होंने लाइफ स्किल के बारे में ये कहा है कि लाइफ स्किल इज एन इसेंशियल लर्निंग टूल फॉर सर्वाइवल, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी का मीटिंग, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु WHO वर्ल्ड, इनका जो केंद्र है, प्रमुख केंद्र हेडक्वार्टर से वो जिनेवा में है। और जिनेवा में 6 और 7 अप्रैल 1998 में एक मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में लाइफ स्किल की परिभाषा क्या है, उसके हेतु क्या है, और व्हाट आर द स्ट्रैटेजी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लाइफ स्किल, इसके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद में हम आते हैं कि लाइफ स्किल इन इंडिया, ये तो हम ग्लोबल लेवल पर उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड हमने देखा। फिर हमारे भारत में जीवन कौशल का विकास या इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ। वैसे तो लाइफ स्किल्स जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे जब से हमारी शुरुआत होती है तभी से लाइफ स्किल की शुरुआत हमारे जीवन में होती है। तो भारत में द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन प्रोग्राम NPEP 1980 में प्रस्तुत किया गया, और उस प्रोग्राम का एम जो था उसमें था कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डी पॉपुलेशन एजुकेशन इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। भारत का जी जो शिक्षा प्रणाली है उसी में पॉपुलेशन एजुकेशन को लिया जाए। और पॉपुलेशन एजुकेशन लेने का मतलब था, या उनका जो मेन सेंटर था, उनका जो फोकस था, वो था फैमिली लाइफ एजुकेशन, कौटुंबिक जीवन शिक्षा, ये उनका मेन फोकस था। उसी के बाद में अडल्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ, ये क्षेत्र नेशनल पॉलिसी एजुकेशन प्रोग्राम में महत्वपूर्ण माना गया। और अभी करंट में ही हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसी में भी किस पर जोर दिया गया है कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन अप्रोच, ब्रॉडर लाइफ स्किल, एंड ये लाइफ स्किल इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूली शिक्षा का लाइफ स्किल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें बताया गया है। उसी के आधार पर ही, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन 2005 में उन्होंने लाइफ स्किल एजुकेशन की प्रोग्राम शुरुआत की है। उन्होंने इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम थ्रू द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे हम CCE कहेंगे। तो इस प्रोग्राम में कक्षा 6 से लेकर 10 तक लाइफ स्किल क्या है, लाइफ स्किल किस तरीके से हमको देना है स्टूडेंट में, किस तरीके से इनकलकेट करना है, और उसी के लिए इसी में शिक्षक के लिए भी एक मैनुअल तैयार किया गया, और उसमें हाउ टू टीच लाइफ स्किल्स टू द दिस सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ये उसमें बताया गया है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भी लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट किया गया, और सर्व शिक्षा अभियान में स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए लाइफ स्किल्स का ट्रेनिंग दिया गया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड
UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और भारत सरकार ने मिलकर लाइफ स्किल एजुकेशन का प्रोग्राम इन 2000 में लॉन्च किया गया, और ये प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लाइफ स्किल एजुकेशन के प्रोग्राम ऑल ओवर द कंट्री में शुरुआत हो गई इस प्रोग्राम की। इस तरीके से दिस इज़ द हमारे भारत में इस लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। 27 दिसंबर 2013 गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसे हम कहेंगे NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और इसका जो मेन एरिया था, जो थ्रस्ट एरिया था, वो था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वालिफिकेशन। एंड दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क क्वालिफिकेशन, इसी में 10 लेवल लाइफ स्किल्स के बताए, मतलब 1 से 10 तक ये लेवल उसमें बताए गए। और ये जो लेवल थे उसमें, तो ये लेवल की लर्निंग का आउटकम क्या रहेगा, इसके बेस, ये उसका बेस था। और लर्निंग का आउटकम लेने के लिए 5 डायमेंशन उसमें दिए गए। तो 5 डायमेंशन कौन कौन से थे, एक प्रक्रिया, दूसरा है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि व्यावसायिक ज्ञान हम कहेंगे, प्रोफेशनल स्किल, व्यावसायिक कौशल, कोर्स की मुख्य स्किल्स कौन कौन से रहेंगे, और जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द प्रोफेशनल स्किल एंड द कोर्स स्किल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अवर द 10 कोर लाइफ स्किल्स, जो कि हमको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है। तो ये था ऐतिहासिक पार्श्वभूमि हमारे लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम की ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। अब हम परिभाषा देखते हैं लाइफ स्किल एजुकेशन की, या लाइफ स्किल्स के बारे में क्या परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा हम लेंगे यूनिसेफ द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो हम देखते हैं। लाइफ स्किल एज अ बिहेवियर चेंज और बिहेवियर डेवलपमेंट अप्रोच डिजाइन टू एड्रेस अ बैलेंस ऑफ 3 एरियाज, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। तो यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल क्या है, कि जीवन कौशल एक व्यवहार परिवर्तन है या व्यवहार विकास दृष्टिकोण है, जिसमें 3 क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखने की मांग की गई है। और वो जीवन के वो जो 3 क्षेत्र है, वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल। तो ये 3 ही क्षेत्रों का संतुलन हमें इसके द्वारा रखना है। दूसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा हम देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये परिभाषा दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा ये है, लाइफ स्किल आर द एबिलिटीज फॉर अडॉप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू डील effectively with the demands and the challenges of everyday life. WHO की परिभाषा जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि इसी में abilities for adaptive and positive behavior, दो संकल्पना इसमें दी है कि adaptive behavior and the positive। तो इसमें अनुकूलन, जिसे हम कहते हैं कि अनुकूली या अनुकूलन या और सकारात्मक व्यवहार की जो क्षमता है, तो इस परिभाषा के द्वारा अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार की क्षमता के रूप में परिभाषित की गई है। कि क्या है वो परिभाषा उसकी, जो व्यक्ति को रोजाना की हमारी जिंदगी है उसमें जो हमारी मांगे, जो चुनौतियाँ आई है, तो यह मांगे और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें सक्षम बनना है, इसे हम जीवन कौशल कह सकते हैं।
एडॉप्टिव का मीनिंग क्या है इसमें? मीन्स द पर्सन इज फ्लेक्सिबल इन अप्रोच एंड इज एबल टू एडजस्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। यानी कि अनुकूलन का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति इस तरीके से है कि वो अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, कि उसका दृष्टिकोण है कि लचीलापन का दृष्टिकोण उसमें दिखाई देता है और वो एनवायरनमेंट के कोई भी सिचुएशन में खुद को सक्षम बनाता है। और दूसरा जो बताया कि सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार क्या है इसमें कि सकारात्मक व्यवहार यानी कि हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण कि चाहे कितनी भी समस्या आए, कितनी भी कठिन समस्या क्यों न हो, उस कठिन समस्या में हमें उसका समाधान खोजना है और ये समाधान हम ढूंढ कर ही रहेंगे। तो जीवन कौशल हमें ये समाधान ढूंढने की एक संधि प्राप्त करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये परिभाषा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ये काफी विस्तारित स्वरूप से दी गई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लाइफ स्किल एजुकेशन मुख्य प्रकार कहेंगे हम उसे, कि मुख्य प्रकार कौन से हैं लाइफ स्किल एजुकेशन के, या उसको हम कहेंगे कि थ्री हेड्स ऑफ द लाइफ स्किल, या और दूसरी परिभाषा हम कहेंगे कि द थ्री एच आर इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ स्किल। तो ये थ्री एच क्या है, या तीन प्रकार कौन से लाइफ स्किल्स के, उससे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो 10 कोर वैल्यूज दिए हैं, जो हमने की देखा कि हमारे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में दिए गए हैं, तो उसमें जो 10 कोर वैल्यूज दिए हैं, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल, कोपिंग विथ इमोशंस, मैनेजिंग विथ इमोशंस और कोपिंग विथ स्ट्रेस। इस प्रकार के 10 कोर वैल्यूज उन्होंने लाइफ स्किल्स के दिए, या 10 लाइफ स्किल्स उन्होंने उसमें बताए हैं। और 3H जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो 10 कोर वैल्यूज दिए हैं, इसका विभाजन हम 3 मुख्य लाइफ स्किल्स में करते हैं। वो है थिंकिंग स्किल, सोशल स्किल एंड द इमोशनल स्किल। और 3H का मतलब है हेड, हार्ट एंड द हेल्थ। मतलब ये जो थिंकिंग स्किल है, जिसे हम सोच कौशल्य कहते हैं, सामाजिक कौशल्य है और भावनात्मक कौशल्य और भावनिक कौशल्य है। तो सोच कौशल्य, सामाजिक कौशल्य और भावनिक कौशल्य, ये 3H से जुड़े हुए हैं। ये हमारे हेड, हार्ट और हेल्थ से जुड़े हुए। जैसे कि सोशल और इमोशनल स्किल का जब हम विचार करेंगे या उसके बारे में सोच करेंगे, सो दिस टू स्किल्स आर क्लोजली रिलेटेड विथ अवर हेड, हार्ट एंड द हेल्थ। ये तीनों भी जो कौशल है, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल एंड इमोशनल स्किल्स, ये तीनों भी कौशल ये 3S से काफी क्लोज है। तो ये इसका फ्रेमवर्क हम इस तरीके से बनाते हैं कि सोच कौशल यानी कि थिंकिंग स्किल, थिंकिंग स्किल्स में कौन कौन से कौशल आ सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, सेल्फ अवेयरनेस है। दूसरा हम लेंगे कि सोशल स्किल, सोशल स्किल्स में कौन कौन से कौशल आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल है उसमें, कम्युनिकेशन स्किल है, एम्पैथी है, सो ये हम सोशल स्किल में। इमोशनल स्किल्स में कोपिंग विथ स्ट्रेस, कोपिंग विथ इमोशंस और मैनेजिंग विथ इमोशंस,
ये कौशल इसमें आता है। फिर अभी ये तीन प्रकार के कौशल हमने इसे इसकी फ्रेमवर्क बना दी है, तीन इसमें 3H में इसको बांटा है। अब ये तीनों स्किल्स हमारा जो पिलर्स ऑफ एजुकेशन है, पिलर्स ऑफ एजुकेशन है, उसके साथ हम इससे कैसे जुड़ा पाएंगे। तो हम वो इस तरीके से जुड़ाते हैं कि अप्रैल 2000 में जो डकार वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि एजुकेशन इट्स कंसिडर एज एन एजेंट विच कैन प्रमोट लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। उसी प्रकार से जो एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें एक महत्वपूर्ण गोल बताया गया है, जो गोल इस लाइफ स्किल एजुकेशन से रिलेट होता है। वो गोल इस प्रकार का है कि प्रमोटिंग लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स फॉर द यंग पीपल एज वेल एज द एडोलेसेंस। और ये जो कॉन्फ्रेंस था डकार फ्रेमवर्क हम जिसे कहेंगे, तो ये कॉन्फ्रेंस ने यहां पर ये भी तय हुआ कि ऑल यंग पीपल्स एंड एडल्ट्स हैव द ह्यूमन राइट्स टू बेनिफिट फ्रॉम एन एजुकेशन एंड दैट इंक्लूड लर्निंग हाउ टू नो, हाउ टू डू, हाउ टू बी एंड हाउ टू लिव टुगेदर एंड इट इंक्लूडेड लाइफ स्किल्स एज एन एजुकेशन फॉर ऑल गो। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लाइफ स्किल एजुकेशन को हमारे पिलर्स ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ा दिया गया है, क्योंकि एजुकेशन ही हमें ये बताता है कि, यही सिखाता है कि हाउ टू नो, हाउ टू डू, हाउ टू बी एंड हाउ टू लिव टुगेदर। तो ये जो फ्रेमवर्क अभी हमने देखा, थिंकिंग स्किल, सोशल स्किल और इमोशनल स्किल, और इसी के साथ हमारे जो पिलर्स है वो हम कैसा उसमें रिलेट करेंगे। तो लर्निंग टू नो, इसी में लर्निंग टू नो इसका मतलब क्या है कि टू यूज द नॉलेज, हमारे पास जो ज्ञान है उसका हमें उपयोग करना है। और ये उपयोग किस तरीके से करना है, जो हमारे जीवन में चैलेंजेस आए हैं, ये कॉग्निटिव स्किल्स है, वो चैलेंजेस को हम, ये कॉग्निटिव स्किल्स के द्वारा हमें उस पर मात करनी है। तो ये जो कॉग्निटिव स्किल्स है ये कौन कौन से है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आपने यूनिसेफ का वो पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। सो अब हम एक एक कौशल इसमें देखते हैं। हम सबसे इसमें देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि ये ऐसी क्षमता है जो हमें क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या सुटेबल है, इसकी जान या इसकी पहचान हमको ये क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा मिलती है। से इन शॉर्टली वी कैन से क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है थिंकिंग ऑन थिंकिंग। तो क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए उपयुक्त है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कौन सी कृति उपयुक्त है, ये हमें लाइफ स्किल के द्वारा, इस क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा समझ में आती है। इसमें मैं एक एग्जांपल ऐसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे जो बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है, यहाँ पर
लोगों का ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा समय जाता है। अब ये ट्रैवलिंग का समय जो जाता है उनका 2-3 घंटे इसमें जाते हैं, तो अगर सिर्फ उसमें ट्रैवलिंग ही किया तो हासिल तो कुछ नहीं होगा। तो ट्रैवलिंग के साथ साथ अगर हमने, जब हम ट्रैवल करते उसमें अगर हमने बहुत सारी आदतें, अच्छी आदतें हमने उसमें जुड़ा ली, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में बहुत सारे लोग कुछ खाते हैं और जो जो कचरा होता है वो वहीं पर उसमें फेंक देते हैं। सो एज अ टीचर एजुकेटर और एज अ टीचर, ये हमारा कर्तव्य है कि उन लोगों को इसकी समझ देना कि गुड हैबिट्स क्या है। जैसे आपका घर आप स्वच्छ रख सकते हैं, तो आप तो रोज इसमें सफ़र करते हो, सो ये जो इसमें आप जो भी कचरा डालोगे इसका आपके हेल्थ पर परिणाम हो सकता है। और हेल्थ, ये अच्छी होना, ये अच्छे नागरिक का कर्तव्य, हर नागरिक की हेल्थ अच्छी रहना ये एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो ये प्रचार, इस विचार का प्रचार और प्रसार हमको लोगों में करना है। उसी के साथ साथ हम कुछ अच्छी बुक्स, जैसे कई महात्मा गांधी की बुक हो या विवेकानंद की, जो विचार उनके अच्छे हैं, बाबा साहब की बुक हो, गौतम बुद्ध की बुक हो, तो इनके विचार क्या है, इनके विचारों के बारे में हम उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। तो अगर हम इस प्रकार से विचार करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पूर्वज हैं या जो महान व्यक्ति भारत में हो गए हैं, तो उनके विचार का प्रसार और प्रचार भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई आपका क्या कहेंगे कि इंटरेस्ट है, आपको कुछ करना है लेकिन उसके लिए समय नहीं मिलता है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कहाँ, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, योगा करने के लिए समय नहीं है, लेकिन जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप उसमें एक जगह बैठकर, ऐसे बहुत सारे व्यायाम हैं वो हम वहाँ पर बैठकर बहुत आराम से कर सकते हैं, जैसे कपालभाति है, ये वे हम बहुत आराम से वहाँ पर ये योगा कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ है जो बहुत सिंपल है लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, वो एक्टिविटी करने से हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखती है, तो इस तरीके की एक्टिविटी हम उसमें कर सकते हैं, इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या है, कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि कुछ हटकर सोचे, आउट ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहेंगे। तो ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, और ये अगर हमारे सृजनशील विचार प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, कि अगर सृजनशील विचार प्रक्रिया हमारे साथ है तो हम एक अच्छा आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ये लेते हैं कि आपका एग्जाम है, एग्जाम तो आपको देना भी है, जरूरी है, अगर एग्जाम नहीं दोगे तो आगे की कक्षा में नहीं जा पाओगे या आगे की डिग्री आपको नहीं मिल पाएगी, जो कक्षा में आप पढ़ रहे उसकी डिग्री आपको नहीं मिल पाएगी। ऐसा है कि कल एग्जाम है और आज ही शाम में आपके दोस्त की पार्टी भी है, फिर आप कैसे करेंगे। दोनों चीजें तो महत्वपूर्ण है और इसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत मायने रखती है। तो आप किस तरीके से इसको सोचेंगे, दोस्त की पार्टी में भी जाना है और एग्जाम देना भी कंपलसरी है, तो यहां पर एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि जैसे आपका जो काम है उसको आप 4 हिस्सों में अगर बांटते हैं, वो 4 हिस्से कौन से, आपके कार्य के, वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 कैटेगरीज, वो हिस्सा कौन कौन सा है, एक है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है, दूसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, तीसरा है मोस्ट अर्जेंट बट
इम्पॉर्टेंट, और चौथा है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम इस तरीके से हमारे कार्य को बांटते हैं तो डेफिनेटली हम उसका नियोजन बहुत अच्छी तरह से। तो आप पहले याद ही बना लीजिए कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कौन सा वर्क है, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंसी नहीं है उस वर्क की, उसकी कैटेगरी बना लीजिए। तीसरी में अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इस तरीके से अगर हम आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका सोल्यूशन उसमें मिल सकता है। ये एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण मैं इस तरीके से देना चाहूँगी कि जैसे हम कहीं फील्ड विजिट को जा रहे हैं और एक बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, और वो ट्रैवल करते समय हमको ऐसे लगता है कि बीच में हम कहीं तो भी उतर जाते कि ये स्पॉट अच्छा है, हमने फिक्स तो किया था लेकिन फिर हमसे लगता है कि नहीं यहाँ पर थोड़ा उतर के फिर बाद में वो स्पॉट पर जाते हैं, तो हम वहाँ पर उतर जाते हैं। और जैसे हम उतरते हैं जो भी वाहन वहाँ पर होगा, बस होगी, कार होगी, जो भी जिसमें से आप उतरे, तो इसका मतलब आपने वो वहाँ पर रोक लगाया, आप उतर गए और वो गाड़ी जो थी वो आगे चली गई। और आगे चले जाने के बाद एक 2 मिनट की दूरी पर या 3 मिनट की दूरी पर उसका एक्सीडेंट होता है, तो हम सबसे पहले हमारी सोच क्या होती है, अच्छा हुआ हम तो उसमें से उतर गए, यानी कि हम बच गए। ये तो हर कोई सोचेगा, फिर आप थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचे, ये तो हर कोई सोचेगा अच्छा हो गया हम तो बच गए। आप अगर ये सोचते हैं अगर मैं गाड़ी ना रुकाती और उसमें ना उतरती और वो जो समय है उस समय के मतलब उस समय की वजह से ही वो जो दुर्घटना हुई है वहां पर, अगर मैं ना उतरती ना गाड़ी रोकती तो शायद हम सब चले जाते थे, वो गाड़ी आगे चली जा सकती थी और ये घटना नहीं होती। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स इस तरीके से सोच करो। हम जो सोच देते हैं कि कुछ घटना घटी और उस पर तुरंत रिप्लाई देते हैं उसे हम क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कहेंगे, हम कुछ हटकर सोचेंगे उसे हम क्रिएटिव थिंकिंग कहेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग ये ऐसा कौशल है जो हमारे रोज के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये डिसीजन मेकिंग आपको लेना ही लेना है, चाहे आपके साथ कितनी भी कठिनाइयां हो, कौन सी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको डिसीजन वहां पर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो आपका आगे का विकास, आगे का स्टेज जो है वो रुक जाएगा और वो हम आगे का जो प्रवास है, आगे की जो प्रगति है वो हमसे नहीं हो पाएगी। कि मुझे जाना है, आपका ध्येय जो है वो फिक्स कीजिए, ये करना है यानी कि करना है, उसके लिए आप कोई कारण मत लीजिए कि नहीं अभी तो ठीक है ना, अभी क्या तो छुट्टी है या फिर नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा। आपको आपका गोल जो है वो फिक्स करना है, आपका ध्येय फिक्स करना है, उसके लिए आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक व्यक्तिगत स्वरूप का कौशल है, मनोवैज्ञानिक कौशल है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर किसी को ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है, लेकिन अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में है और वो समस्या आप छोड़ना चाहते, निपटना चाहते हैं समस्या से, तो उसके लिए खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए, खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए, आप सेल्फ अवेयर आपको होना चाहिए। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो डेफिनेटली आपकी समस्या का समाधान आप ही दे पाओगे। क्यों? कि सवाल किसने उठाया? आपने उठाया। बाकी सारे लोग तो उसमें बहुत सारे गाइडेंस देंगे, बहुत सारे मार्ग सुझाएंगे, लेकिन सही मार्ग कौन सा है, तो सही मार्ग कौन सा है ये आपको ही तय करना है। तो ये कौशल्य हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। इसके बाद में हम जाते हैं हमारा जो दूसरा फ्रेमवर्क हमने बनाया है, जो 3 बनाए ना हमने कैटेगरी थिंकिंग स्किल, ये यहाँ पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि सोशल स्किल। सोशल स्किल में इंटरपर्सनल स्किल,
कम्युनिकेशन स्किल और एम्पैथी, इनका समावेश होता है। ये तीन स्किल, ऐसा नहीं है कि ये तीन ही स्किल इसमें आते हैं, ये जो हम जो स्किल देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्किल्स हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल है, या जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे छोटे छोटे स्किल होते हैं, कि जैसे उसमें ऑब्जर्वेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, ऑब्जर्वेशन की, ये निरीक्षण कौशल्य से हम हमारी समस्या का बारीकी से निरीक्षण कर सकते हैं, बारीकी से निरीक्षण करके हम उसकी तैयारी कर सकते हैं कि ये समस्या कैसी सुलझाए, ये समस्या कैसी सॉल्व की जाए। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कौशल होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल, ये पारस्परिक संबंध का कौशल है, पारस्परिक संबंध हमको बढ़ाना है तो इसके लिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी प्रभावी होना बहुत जरूरी है। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स में ऐसी क्या बात है कि ये कौशल हमें बहुत जरूरी है? इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि आपका रोज हर किसी ना किसी व्यक्ति के साथ संबंध आता है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, आप जहां पर काम करते हो, वर्क प्लेस आपका जो है वहां पर, तो ये कौशल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि आपका जो वर्क प्लेस है, आप कोई कोई इंस्टीट्यूट में हो, कोई यूनिवर्सिटी में हो, कोई कॉलेज में हो, कोई संस्था में हो, जहां पर भी आप काम करते हो, वहां पर कम से कम 8 से 10 घंटे आप बिताते हो, और 8 से 10 घंटे आपको बिताने हैं तो आपका इंटरपर्सनल स्किल जो है, पारस्परिक कौशल है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने का कौशल है, ये प्रभावी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर ही आपका वर्क प्लेस का जो माहौल है उसी पर ही वो माहौल टिका हुआ रहता है। अगर आपका स्वभाव, आप खुद को पहचानते हैं और लोग भी आपको पहचानते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा सेल्फ थिंकिंग स्किल का, सेल्फ अवेयरनेस स्किल यहाँ पर लेकर आना चाहूँगी, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए सेल्फ अवेयरनेस स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में क्या कमियाँ हैं, आप में क्या खूबियाँ हैं, आप में क्या शक्तियाँ हैं, ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई यूअर सेल्फ, आप खुद को पहचानो। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अच्छी तरह से किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा डरे सहमे हुए रहते हैं कि मैं अगर इस तरीके से बात करूंगी तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, शायद उनको बुरा लगेगा, शायद उनको बहुत अच्छा भी लगेगा, और ये आप तय नहीं कर पाएंगे, उसके हम डिसीजन मेकिंग भी इसी में आ सकता है। तो आपकी खूबियाँ क्या है, आपकी शक्तियाँ क्या है, ये खुद को आइडेंटिफाई करो कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये मुझे ऐसे करना है। तो इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक छोटी सी मैं अपना एक जगह मैंने पढ़ा था, या हम सभी ने पढ़ा है, कि जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या था कि शिष्य जो आश्रम में जाते थे गुरु के पास, और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, चाहे फिर वो 1 साल हो 2 साल हो 10 साल हो 15 साल हो जो भी हो, तो वो शिक्षा ग्रहण करने का कालावधि जब समाप्त होता था तो उस समय गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो ऐसे ही एक आश्रम में शिष्यों की जो शिक्षा थी वो समाप्त हो गई, और वो सभी शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारी शिक्षा अभी समाप्त हो गई है, अब हम घर जाना चाहते हैं, इससे पहले कि हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो हम आप हमारी गुरु दक्षिणा आप स्वीकार करें, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि गुरु दक्षिणा के स्वरूप में आप हमसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार की गुरु दक्षिणा आप चाहते हैं। तो गुरु उनसे कहते हैं, मुझे आप लोग जो सूखे पत्ते होते हैं ना, उसका एक बैग भर लाकर दीजिए। तो शिष्य को ऐसे लगता है कि सूखे पत्ते का बैग, वो तो हम अभी भी ला सकते हैं, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, गुरुजी ने ऐसा क्या मांगा हमसे। तो बोलते कि ठीक है गुरुजी, हम लाकर देते हैं, और वो सभी शिष्य सूखी पत्तियां ढूंढने चले जाते हैं। वो जैसे जंगल जाते हैं, रास्तों में देखते हैं कि उन्हें सूखी पत्तियां कहीं नजर ही नहीं आती है,
फिर उन्हें एक किसान दिखाई देता है। तो किसान को देखने के बाद वो बड़े खुश होते हैं, उसको ऐसे लगता है कि इसमें इसके खेती में तो जरूर सूखी पत्तियां होगी। अभी सूखी पत्तियां जरूर होने का होगी ऐसा जब वो उसके लगने लगता है, तो वो किसान के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि हमें एक बैग भरकर या ये थोड़ी सी सूखी पत्तियां दे दीजिए। तो किसान उन्हें कहता है कि अभी अभी मैंने सूखी पत्तियों का उपयोग ईंधन के स्वरूप में किया है, जो मुझे कुछ काम था तो उसमें मैंने ईंधन के स्वरूप में उसका उपयोग किया है, तो अभी मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। वो निराश हो जाते हैं, फिर निराश तो होते हैं लेकिन फिर वो किसान से पूछते हैं कि हमें सूखी पत्तियां कहाँ मिलेगी। और सूखी पत्तियां कहाँ मिलेंगे ऐसा वो जब बोलते हैं, बोलते कि आप व्यापारी के पास जाइए, आपको सूखी पत्तियां जरूर मिलेगी। तो सूखी पत्तियां जरूर आपको मिल जाएगी वहां पर। तो वो व्यापारी के पास जाते हैं, व्यापारी के पास जाने के बाद वो वहां पर पूछते हैं कि हमें सूखी पत्तियों थोड़ी सी चाहिए, एक छोटा सा बैग है हमारे पास, वो भरकर हमें दीजिए। तो वो व्यापारी जो होता है कि वो कहता है कि मैंने तो अभी अभी सूखी पत्तियों का जो उपयोग है, तो ये जो मैंने प्लेट्स बनाई है, जो है यूज एंड थ्रो की प्लेट्स जो होती है ना, तो उस तरीके का सामान उससे वो बनाता है। तो कहता है कि मैंने तो सारा सामान बनवा लिया है, इसीलिए मेरे पास तो अभी कुछ बचा नहीं है। फिर वो फिर निराश हो जाते हैं और निराश होते वो अपने आश्रम पे निकलने पड़ते हैं। और रास्ते में उनको एक बुढ़िया दिखाई देती है, तो बुढ़िया दिखाई देने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इसके पास तो ज़रूर मिलेगा हमको।